ऑन स्क्रीन माँ पिता दोस्त। इस साल सलमान के इन करीबियों की हुई मौत। एक्टर इंदर कुमार का 43 साल की उम्र में हार्ट अटैक के चलते बीती रात 2 बजे निधन हो गया। उनके निधन से पूरा बॉलीवुड शॉक्ड है। इंदर कुमार ने 90 के दशक से अपना करियर शुरू किया था। वह अक्षय कुमार के साथ खिलाड़ियों के खिलाड़ी तो सलमान खान के साथ वॉन्टेड में नजर आए थे। गौरतलब है कि सलमान खान के साथ इंदर कुमार 3 फिल्मों में दिखे थे, 2000 में कहीं प्यार ना हो जाए, 2002 में तुमको ना भूल पाएंगे और 2009 में वॉन्टेड। इसके अलावा इंदर कुमार को सलमान खान का काफी करीबी बताया जाता था। आपको बता दें कि इस साल सलमान खान ने अपने कई करीबियों को खोया है। इनमें उनकी ऑन स्क्रीन माँ पिता दोस्त और प्रोड्यूसर्स तक शामिल हैं। साल के शुरुआत में ही ओम पुरी की मृत्यु हो गई थी। ओम पुरी ने सलमान के साथ बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों में काम किया। वे ट्यूबलाइट में भी थे। सलमान की ऑन स्क्रीन माँ के नाम से फेमस रीमा लागू की भी 18 मई को मौत गई थी। रीमा ने हम साथ साथ हैं जैसी 7 फिल्मों में सलमान खान की माँ का रोल किया था। खुद रीमा ने सलमान को अपना फेवरेट बेटा बताया था। सलमान ने उनकी मौत के कुछ दिन बाद इमोशनल होते हुए कहा था, तब मैं शूटिंग कर रहा था जब मुझे रीमा लागू जी की मौत के बारे में पता चला, मैं बहुत दुखी हुआ। वेटरन एक्टर विनोद खन्ना की अप्रैल में ब्लड कैंसर के कारण मौत हो गई थी। विनोद खन्ना ने दबंग और दबंग 2 में सलमान के पिता का रोल किया था। अपनी फिल्म ट्यूबलाइट के ट्रेलर लॉन्च पर सलमान ने विनोद साहब को याद किया था। साल के पहले ही दिन इस्तांबुल के रियान नाइट क्लब में हुए आतंकी हमले में 39 लोगों की मौत थी। इनमें प्रोड्यूसर अबीस रिजवी भी शामिल थे। वे सलमान खान के खास दोस्तों में भी शामिल थे। वहीं यदि इंदर की बात करें तो वे इस साल बिग बॉस में शामिल हो सकते थे, लेकिन सलमान ने उन्हें यह करने से मना कर दिया था। दरअसल सलमान को इंदर की खराब हेल्थ के बारे में जानकारी थी। इंदर ने 1996 में आयशा जुल्का के ओपोजिट मासूम फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री की थी। उन्होंने 20 से ज्यादा फिल्में की थी। 2014 में इंदर स्ट्रगलिंग मॉडल के साथ रेप के इल्जाम में जेल जा चुके हैं। जब वो जमानत पर रिहा हुए तो बॉलीवुड के कई लोगों ने उनसे दूरियां बना ली। इंदर ने इंटरव्यू में कहा था कि रेप का चार्ज लगने के बाद इंडस्ट्री के लोगों ने उनसे दूरी बना ली थी, उनके पास कोई काम नहीं बचा था। उन्होंने कहा था, मेरी 15 महीने की एक बेटी है, लेकिन मेरे पास ना काम है ना पैसा।